पांचाली ऑन कर। हेलो कहिए दुशासन, थोड़ा सा खामोश होकर बात कर। मैं यहाँ का युवराज हूँ, तेरा कोई नौकर नहीं हूँ जो नाम लेके बात करेगी। तो मैं भी तेरी भाभी नहीं हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। द्रौपदी बड़ी भाभी माँ समान होती है, सहूर से बात करना चाहिए बड़ी भाभी से। सोना झोपड़ियों में और सपने शीश महल के। और क्या, शीश महलों में सोती हूँ मैं, झोपड़ियों में नहीं सोती। जन्म के रंडवा और नाम दूल्हा राजा। दूल्हा वो ख्वाब भूल जा कि तू भाभी यार मिश्रानी महारानी जो भी कुछ, अब तू कुछ नहीं बल्कि जुए में जीती हुई एक दासी, और दासी से भी छोटा दर्जा रखने वाली एक औरत रह गई है। मान तूने कह दिया और मैंने सुन लिया और मैं मान भी लूं। अरे राजी तो नहीं तो गैर राजी मानना पड़ेगा। मैं ना मानू, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन आपको हस्तिनापुर में याद कर रहे हैं, चल मेरे साथ। आपके हाथ लगा दिया, आपके हाथ मत लगा देना। क्या करेगी, तेरा हाथ ही तोड़ दूंगी और तुझे तोड़ दूंगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पांचाली थोड़ी देर बाद तेरी हालत ये होने वाली है। क्या, कि दुनिया में खाने लायक तो रहेगी पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ऐसा करेंगे हस्तिनापुर में सभा में तेरे। अच्छा साथ। हाँ। तुम हाँ, हम कौरव तुम करोगे। अरे मैं ये कह रही थी ना, अब मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। हम एक भाई नहीं है, हम 100 भाई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेली काफी हूँ 100 के लिए। तू बुला नंबर वाइज। तू औरत है या बस मैं हूँ जो भी हूँ, तूफान है। तूफान हूँ मैं, तूफान। कोई बात नहीं, तूफानों से टकराना सहनसाओं का काम होता है। अच्छा सुन मेरी बात। सुना। अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में। ये नहीं बूझेगी क्यों? क्यों क्यों? वो अंधे का अंधा याद करे। और जाकर कह देना उस अंधे के अंधे को, क्या मैं सभा में जाने लायक ना मेरी शर्म नहीं। सेड़ा कर ले मुंह जल जाका, खाया करते शर्म नहीं। तेरी इन बातों ते मेरा द्रौपदी अच्छा किया हो मैं नरम नहीं। बहु बेटी ने तम बहु बेटी ने पूरी तखो सो यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी ने पूरी तखो सो यो छतरी का धर्म जाने। अच्छा मन हलकारा मत जाने, मन हलकारा मत जाने, मत ज्यादा बकवास करे। सिर पड़ जाऊंगी और सिर पड़ जाऊंगी, सिर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन।
रहेगा। एक सेकंड, छेड़ेंगे क्यों नहीं। आदरणीय हमारे बाबूजी श्री सुरेंद्र कुमार जी आज के आयोजक, उनकी डिमांड थी 2100 रुपए का इनाम देके हम दोनों कलाकारों को हमारी टीम का मान सम्मान किया, जोरदार तालियों से स्वागत। मुझे एक चीज का महसूस डर लग रहा है, यानी डर तो नहीं, मैं एक चीज समझ पाया, तू ऐसे बड़े थी तू कोई बंगाल की जादूगरनी है। अरे मैं ऐसे बड़ू थी कि तेरा सिर पड़ जाऊंगी और फिर छूटेगा नहीं तेरा पेंडा। सिर तो यहाँ है, तू तो पेट में बड़े थी मेरे, बस अपना सिर गुजार दूंगी। ऐसा है, भूल जा उन रंग ठाटों को जो कभी तूने हस्तनापुर में या इंद्रप्रस्थ में किए। ना भूल सकती और ना ही भूलूंगी। आज हस्तनापुर की सभा में जाने से इसकी इज्जत बर्बाद होती है। मैंने आज से पहले ना देखा ना ही सुना कि मर्दों की पंचायत में एक औरत को बुलाया गया हो। उस दिन तेरी इज्जत बर्बाद नहीं हुई। किस दिन? जब तूने अपने पिता सरीखे जेठ को गोली के तीर मारे थे। मैंने कोई तीर नहीं मारा, उसका अंजाम भुगत ले। अगर तीर मारती तो मर जाता। एक बात बताऊं तुझे, हाँ। या तो तू राजी राजी चली चल, नहीं तो तुझे घसीटता हो या ले जाऊंगा। घसीट के दिखा, वैसे काबू में नहीं आएगी तो मिल के ही है। ये जितने भी भाई बैठे को तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक औरत के ऊपर इतना जुलम कर रहे हो, एक से काम नहीं कर रहा। कई कई औरत नहीं है, कई कई मर्द मुझे खींच के ले जाएंगे, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ओ छतरी तेरी छतरी तो टूट गई। ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। ढकले तो सारे कुल ने ढकले, वरना नंगी की। सुन ले बात, तो ये बात तू ही समझ ले। अपनी कथा बताई नहीं, मेरे जितनी और किसे में न तेवर मिला समाई नहीं। पर तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में, अच्छा तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में कोई गुरबत जात लगाई नहीं। अच्छा हाँ, बेकायदे ते क्यों बेकायदे ते बेकायदे ते बोले मत मां करते। हवा बदल गई तो ये भी बदल गए। अच्छा। ये एक बहुत अच्छी ट्यून बजा रहे हैं, ये जो बाजे मास्टर जी हैं। ट्यून बजा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्यून बजा रहे हैं। कौन सी? क्योंकि हस्तनापुर की सभा में जब तुझे नग्न नचाया जाएगा तो वहाँ देसी रंग की रागनी नहीं होंगी, वहाँ फिल्मी रंग भरा जाएगा, सतबीर वाला। अच्छा। हाँ, फिल्मी रंग भरा जाएगा। और रंग क्या होगा, कौन सा रंग? लाइन अच्छी लगे तो बताना जरा। आज भरी सभा में आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। लगा ठुमके पांचाली हो, ये झूम उठेगी, ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजा जब जब के ताली। वाह छोरे वाह, नहीं कमाल कर दिया, ये छोटा भाई विकर्ण है। अच्छा बढ़िया काम कर दिया, तो तेरा भाई है। और क्या, तू अपना भाई बनावेगी? मेरा भाई है, तेरा देवर है। ये झूम उठेगी मैं फिर, ऐसा होगा दंगा। बजाओ जम जम के ताली, बजाओ जम जम के
मुझे तेरे पे हंसी आती है। क्यों? कारण? तू और तेरा बड़ा भाई दुर्योधन, अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार भले उठाने के बस की नहीं है। अब तो तुम जम जम के इस काम के लिए रह गए हो, जैसे वो ना बजाते ताली। हंसो मत भाई साहब, हिजड़ा कह रही है। समझ गई है? तू कैसे, तेरी बैटरी सी चार्ज हो गई एकदम। यार शर्म की बात तो ये है, ये मुझे हिजड़ा कह रहे, तुम ताली बजाओ, ये कोई बढ़िया बात है? लेकिन सुनो, इसकी बात का ठोस जवाब दे दूं, लेकिन हंसने के लिए, ये कोई प्रमाणिक नहीं है, अवैधिक है, वैदिक नहीं है, इंटरटेनमेंट। हाँ इंटरटेनमेंट है, थोड़ा ही हंसी मजाक है, लीजिए एंजॉय करिए। ये कह रही थी कि छत्रापन बस की नहीं है, अब तो जम जम के ताली बजाने लायक रह गए हो। रह गए हो? जवाब दूं तो राजा दशरथ के कितनी लुगाई थी रामायण में? बोलो यार, हिंदू बैठे हो क्यों साहब? तीन ही तो थी। तीन। राजा गोपीचंद की अभी रागनी गाई थी, आपको पता होगा पंडित जी, कितनी रानी थी? 16। हमारे कई ऐसे उस्ताद लोग हैं, इनके दो दो तीन तीन हैं। हाँ, कैपेसिटी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है, बुजुर्गों भाइयों, तुमने यह तो सुना होगा, इतिहासों में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि एक मर्द को कई औरत हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में कभी नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि औरत एक और खसम पांच पांच ले रही हो, या आठवां अजूबा ये है दुनिया में। हंसने की बात नहीं है, जब मर्द के कई कई रानी हो सकती है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? मेरी मर्जी। मतलब फिर भी तुम इसी से सहमत हो? अरे हिम्मत देख मेरी, मैं पांचों को झेल रही हूँ। झेल रही है ना? और क्या, तू धर्म ही मानते, अपनी माँ की सौगंध खा के बता, तू भीम है कैसे? कैसे झेलक रहे भीम, ऐसे झेलू? ठीक है। नचावेंगे कौन, नचाने कौन, नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। तुझे आज सभा में नंगी कर दे, अच्छा कौरव खुशी मनावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने कक्के खेल खिलावेंगे। खड़ी अनाथ